प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ गणित के कुछ आसान सूत्र सीख रहे हैं। मेरी पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। और चलिए आज हम एक गुणा में, एक तो हम सामान्य तरीके से गुणा करते हैं, दूसरी हम लैटिस विधि द्वारा गुणा करते हैं। आओ हम सीखते हैं कि लैटिस विधि से गुणा कैसे करते हैं। ये गुणा करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे हमारे पास दो डिजिट की हम एक डिजिट से गुणा करेंगे, 24 को 3 से गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे, इस खाने बना लेंगे। इस तरह से 3 की गुणा 4 से करेंगे, पहले 3 चौके 12, तो 12 एक यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ। अब इस 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 गुणा 6 को इस खाने में लिखेंगे और यहाँ पे 0। अब हमारे पास जो डिजिट आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे देखना, ये 2 ऐसे कैसे, इन दोनों का जोड़ 6 और 1 7 और ये 3। इस प्रकार से गुणा कितना है बच्चों, 72 गुणा। अगला सवाल देखते हैं, 21 को 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पर पहले हम 1 को 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, तो कहाँ लिखेंगे 4, इस खाने में 4 होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ध्यान रखना है आपने नीचे वाले खाने में लिखेंगे, 4 दूना 8, 8 कहाँ लिखेंगे, 8 नीचे वाले खाने में लिखेंगे, ऊपर आएगी 0। तो उसी तरीके से हम पहले इसका 4, इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 0 जोड़ेंगे, तो 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा ना, ये 8, तो ये हमारा उत्तर आ गया। ये बड़ी आसान विधि है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसमें इस गुणा करेंगे, 6 की गुणा 5 से, 6 का पहाड़ा 5 से, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 20, यानी कि 6 5 बार, 6 6 12, 6 18, 6 24, 6 30, 30 कैसे लिखेंगे, 30 को यहाँ लिखेंगे ऐसे। अब 6 की गुणा 4 से, यानी कि 6 4 बार, 6 12, 6 18 और 6 4 24, 6 4 24। अब आगे तरीका बिल्कुल आसान है, ये सुनने आएगी, इस खाने में इन दोनों का जोड़ 4 और 3 7, यहाँ पर ये 2, उत्तर कितना आ गया हमारे पास, 270। इसी प्रकार से इस गुणा को देख लेंगे, पहले 9 की गुणा करेंगे 8 से, 8 नीम, यानी कि 9 8 बार, 9 18 27 8 बार, 9 दो 36, 9 बजे 45, 9 छः 54, 9 से 63, 9 से 72, तो यहाँ पर 72 लिख देंगे। और 9 को गुणा 7 से, 9 से 23। अब तरीका वही है, 2 पहले ऐसे कैसे, 7 और 3 कितना आ गया, 10 आ गया ना। पहले बच्चे यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे, 10 की 10 में से यहाँ पर हम 10 नहीं लिखेंगे, बल्कि कितना लिखेंगे, 10 में से 0 लिखेंगे। तो 1 आ गया, 1 इस खाने में आ गया, और अभी 6 और 1 7 आ गया, इस प्रकार से हमारे पास ये उत्तर 710 आ गए, 702 आ गए। चलिए इस तरीके से देखते हैं, 8 नहीं 72 2 असल के साथ, 9 से 23 23 7 वही तरह का हमारा, चाहे उस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, हमारी बात एक ही पड़ती है। परंतु ये गुणा करने की अलग विधि आपको आनी चाहिए, लैटिस विधि कहते हैं। लैटिस विधि से एक अंक की गुणा समझ में आ जाने के बाद अब हम दो अंकों की संख्या की दो अंकों की संख्या से गुणा करते हैं, जैसे 15 गुणा 12। सामान्य तरीके से तो आप करते ही हैं, इस विधि में कैसे करेंगे, इसमें ध्यान रखना आपने खाने 4 लगे। इस प्रकार से आपको जब दो अंकों को गुणा करनी पड़ेगी तो इस प्रकार से आप एक वर्ग बनाकर उसके बीचों बीच में ऐसे लगाकर निशान, और फिर इसको बीच से बिल्कुल ऐसे करते हुए इसको यहाँ से और उसको यहाँ से इस प्रकार का फंडा आपने बढ़ा। इसके बनने के बाद ये बड़ा आसान है, 2 की गुना 5 से करेंगे, 2 पंजा 10, 1 की गुना 5 से, 5 एकम 5, 5 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों, 5 नीचे वाले यहाँ आएंगे और यहाँ पे 0 आएंगे। इसी प्रकार से इसको 2 एकम 2, 2 हमेशा नीचे वाले खाने में आएंगे, 1 की गुना 1 से, 1 एकम 1, यहाँ पे 0। अब बिल्कुल यहाँ पहले वाला खाना ऐसे कैसे, अब इन तीनों का जोड़ 5 और 1 6, 6 और 2 एक और शून्य एक, इस प्रकार से आपके पास ये बड़ा आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने केवल ध्यान से देखना। इसमें देखिए जब हम एक अंक की गुणा करते हैं तो आपने केवल एक खाना लगाना है और उसको बीच से ये डायगोनल काट देना है। अब 8 की गुणा 4 से करेंगे, 8 चौका
आठ सोलह, आठ या चौबीस, आठ सौ तो बत्तीस, ये हमारा बत्तीस इस प्रकार आ गया, आठ एक अड़तालीस, अड़तालीस इस प्रकार आ गया, पहले आपको आते हैं दो यहाँ ऐसे कैसे, इन दोनों का जोड़ करना है, आठ और तीन, आठ में नौ दस ग्यारह, तो ग्यारह यहाँ ग्यारह नहीं लिखा बच्चों आपने, ग्यारह में से एक लिखो, एक अगले खंडे में करना, चार और एक पाँच, इस प्रकार से आपके पास ये उत्तर आ गया। अब दो खंडों वाले की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड गुणा देखते हैं, मुश्किल गुणा लगती है जो आपको, परंतु है मुश्किल नहीं, लैटिस विधि के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी गुणा को भी आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे, पाँच की गुणा पाँच से करेंगे, पाँच पाँच पच्चीस, सीध वाले खंड में विधि का कुछ नहीं करना, दो पाँच दस, दो तीन छः, बड़ा जल्दी करेंगे आप, पाँच तीन पंद्रह, बड़ा आसान है करना, जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप, ये पाँच ऐसे कैसे, पाँच और दो इनको जोड़ेंगे ना, पाँच और दो सात, इस तरह इनको जोड़ेंगे सीधे वाला को, एक और छः सात, सात रहेगा आठ, ये सुन लेंगे यहाँ से, इस प्रकार से गुणा आपकी आठ, जल्दी जल्दी करते हैं झटपट इसको, छः अठे अड़तालीस, आठ किया चौबीस, चार किया बारह, छः चौके चौबीस, अब जोड़ करने में कुछ भी नहीं है इसमें, आठ चार चार चार, चार चार आठ चार बारह का दो एक लगेगा, एक और दो तीन, तीन और दो पाँच, पाँच और दो सात, एक ही, कितनी जल्दी गुणा कर दी मैंने, इस प्रकार से झटपट गुणा कर सकते, इस विधि से आप तीन अंकों की गुणा भी कर सकते हैं, दो अंकों की गुणा भी कर सकते हैं, दो अंकों की गुणा को एक अंक से कर सकते हैं, ये बड़ा सरल है, इसको आपने समझना है, और आपकी गणित की पुस्तक में पेज नंबर 67 और पेज नंबर 66 पर जो गुणा के सवाल दिए गए हैं लैटिस विधि द्वारा, ये आपने हल करना है। धन्यवाद।